हेलो स्टूडेंट वेलकम इन फेज डूल क्लास टुडे वी विल डिस्कस फेज डायग्राम फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम थ्री घटक निकाय सिल्वर लैट सिस्टम लैट सिल्वर सिस्टम माई सेल्फ कल्पना खजीलवा इन टू कंपोनेंट सिस्टम विथ फेज टू वन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर हाईस्ट ऑर्डर इन थ्री in two component system phase diagram may be represented by three dimensional diagram of pressure composition and temperature in this diagram two axes represent two variables while third variable is held constant phase diagram may be constructed as pressure temperature diagram keeping concentration constant pressure concentration diagram keeping टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन डायग्राम की निकाय जिस निकाय की सभी अवस्थाओं का संगठन दो अवयवों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे दृघक निकाय कहते हैं इस प्रकार के निकाय के लिए अवस्था नियम समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है ए फिजिकल्स टू सी माइनस पी प्लस टू f बराबर होता है c हमने टू लिख दिया तो हमारा हो जाएगा f प्लस टू फोर अर्थात त्रिघटक निकाय के लिए स्वतंत्रता की कोटि तथा अवस्थाओं की संख्याओं का योग चार के बराबर होता है यदि किसी द्विघटक निकाय में दोनों घटक एक ही अवस्था में हो तो स्वतंत्रता की कोटि का मान तीन होगा अर्थात यदि मिनिमम फेज एक होगा तो f बराबर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा अतः द्विघटक निकायों में किसी अवस्था को परिभाषित करने के लिए तीन परिवर्तनों तीन वेरिएबल्स टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है दाब, ताप व साधारण को सम कोणों पर तीन अक्षों द्वारा प्रदर्शित करने पर त्रिवम समयावस्था आरेख प्राप्त होगा जिसको प्रदर्शित करना कठिन है अतः दृिघटक निकाय के लिए सरल द्रिवम आगे आवेग आरेख प्राप्त करने के लिए तीन परिवर्तन में से किन्हीं दो को चुन लिया जाता है और एक को हम स्थिर या कांस्टेंट मान लेते हैं इस प्रकार क्या होगा तीन तरह के आरेख हमारे प्राप्त हो सकते हैं ताप व दाब आरेख जब संतरण कॉन्सेंट्रेशन स्थिर हो ताप व कॉन्सेंट्रेशन आरेख जब दाब स्थिर हो कॉन्सेंट्रेशन व दाब आरेख जब ताप स्थिर हो सामान्यतः ताप सांरण आरेख प्राप्त किया जाते हैं और दाप को एक वायुमंडल मान कर स्थिर रखा जाता है विघटक निकाय को निम्न प्रकार हो सकते हैं ठोस ठोस द्रव द्रव ठोस द्रव ठोस गैस द्रव गैस यहाँ केवल ठोस द्रव साम्यवस्था का ही अध्ययन किया जाएगा इस प्रकार के निकाय में दाब का प्रभाव नगण्य होता है अतः ठोस द्रव सामयावस्थाओं के सभी पेशेंट एक वायुमंडल दाब पर लिए जाते हैं ऐसी स्थिति में वाश अवस्थाओं को नगण्य कर दिया जाता है जैसे निकायों को जिनमें ठोस तथा द्रव अवस्था हो और वाश अवस्था अपेक्षित कर दी जाए संघनित निकाय कहते हैं क्योंकि संघनित निकायों में सभी पेशेंट स्थिर दाब पर लिए जाते हैं अतः एक परिवर्तित स्थिर हो जाता है इस स्थिति में अवस्था नियम समीकरण को नियम प्रकार से लिखा जाता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं जब एक कांस्टेंट कर देते हैं, तो हमारा हो जाता है F C P इस समीकरण को संकलित अवस्था नियम समीकरण कहते हैं द्विघटक निकायों के प्रकार प्रथम प्रकार का निकाय इस प्रकार के निकायों में दोनों घटक एक दूसरे के साथ द्रव अवस्था में पूर्णतः मिश्रित रहते हैं यह कोई नया यौगिक नहीं बनाते तथा ठंडा करने पर दोनों घटक अपनी मूल अवस्था में एक के रूप में हो जाते हैं। ऐसे मिश्रण को गलन क्रांतिक मिक्सर यूटैक्टिक मिक्सर कहते हैं यूटैक्टिक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इजी मेल्टिंग अर्थात सरलता से गलने वाला ऐसे निकायों के उदाहरण सिल्वर लैट निकाय के जल निकाय आदि हैं। ऐसे निकायों को सरल गलन क्रांतिक निकाय कहते हैं द्वितीय प्रकार के निकाय इस प्रकार के द्विघटक निकायों में दोनों घटक रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं उदाहरणत एफ -E जल निकाय में एफ ट्वेल्व टू तथा एफ टू सी एल सिक्स सेवन अभी बनाते हैं जिंक मैग्नीशियम निकाय में MgZn2 धात्विक यौगिक बनता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम और कंडेंस फेज रूल और रिड्यूस फेजेस व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट वेपर फेज ऑफ सिस्टम इज नॉट कंसीडर्ड इन दिस केस सिस्टम इज सेट टू बी कंडेंस एंड फेज रूल रिड्यूस टू F C P 1 This is called condensed phase rule or reduced phase rule. Temperature versus composition diagram are shown to represent the solid-liquid equilibria. Two-component system is to be classified depending upon mixability of two components in molten state and also on basis of solid phase that separates out on cooling. सॉलिड लिक्विड और कंडेंस फेज रूल और रिड्यूस फेज वेन टू कंपोनेंट दैट आर कंप्लीटली मिक्सेबल इन लिक्विड स्टेट आर अलाउड टू कूल एट लो टेम्परेचर एंड कंपोनेंट बिगेन टू सेपरेट आउट एस सॉलिड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री फॉर्म फर्स्ट कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्सेबल इन सॉलिड स्टेट एंड फार्म यू टैक्टिक मिक्सचर लैड एंड सिल्वर अलॉय कैडमियम बस्मत अलॉय component forms a stable solid component which melts at constant temperature to give a liquid with same composition such compounds are said to have congruent melting points zinc magnesium system components form a solid compound which is unstable and decompose below its melting point to give a new solid phase and liquid that is different in composition from original compound. Such compounds have inconcurrent melting point. Sodium potassium system. Eutectic system. Two component system in which both the components are completely mixable in liquid phase but do not react chemically is called a eutectic system. Silver lat system. Eutectic temperature and composition. But for a pure substance A, the freezing point is higher, and upon increasing the concentration B, freezing point decreases to lowest value. This is called eutectic temperature and composition. As this state is called eutectic composition. Eutectic point easily melted is defined as the lowest melting point attained by the mixture. अब हम डिस्कस करेंगे लैट सिल्वर निकाय टू कंपोनेंट सिस्टम लैट सिल्वर एक द्विघटक निकाय है जिसमें चार अवस्थाएं होती हैं ठोस सिल्वर ठोस लैट सिल्वर एंड लैट का विलियन और वाष्प चूंकि दोनों धातुओं के गलांक उच्च होते हैं अतः इस निकाय में वाष्प अवस्था अनुपस्थित होती है जिसके कारण इस निकाय पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सभी बेशक स्थिर दाब एक वायुमंडल दाब पर लिए जाते हैं अतः लैट सिल्वर निकाय एक संघतिक निकाय है जिसके ठोस सिल्वर ठोस लैट तथा विलियन की तीन अवस्थाएं होती हैं और निम्नलिखित संगणित अवस्था समीकरण हमें पता है एफ इजिकल्स टू सी माइनस पी प्लस वन होता है इस स्थिति में ताप तथा सातरन का ही अध्ययन किया जाता है जिसका आरेख चित्र में दर्शाया गया है यह आरेख तीन भाग हैं वक्र हम पहले बता चुके हैं हमें तीन चीज पढ़नी होती है वक्र पॉइंट ट्रिपल पॉइंट और एरिया वक्र गलन बिंदु पढ़ेंगे हम और क्षेत्र पढ़ेंगे हम ये हमारा डायग्राम है यहाँ देखो ये तीन वक्र ये वक्र पढ़ेंगे हम ये एक वक़्र है ये एक वक़्र है ये हमारा दूसरा वक़्र है एरिया हमारा एक एरिया है ये दो एरिया है तीन एरिया है चार एरिया है हम ये चार एरिया पढ़ेंगे और ये हमारा ट्रिपल पॉइंट है जिसको हम स्टडी करेंगे सिल्वर लैट सिस्टम इट इस सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम इन विच सिल्वर एंड लैट आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट they do not react to form an any compound but on solidification they form an easy melting mixture eutectic system four phases that take part in equilibrium are solid silver solid lead solution of lead and silver and vapor boiling point of silver and lead being high so gas phase is absent so pressure has negligible effect so solid liquid equilibrium without gas phase is known as condensed system this is the diagram we can name this this is the freezing point freezing curve of silver this is freezing curve of lead this is temperature axis this is composition axis this is eutectic solid eutectic mixture this is solid silver and liquid this is solid lead and liquid this is liquid means silver and lead liquid state this is eutectic mixture silver and here this is lead this point show 100% silver and 0% lead this point show 100% lead and 0% silver this is the silver lead system now फर्स्ट कर्व कर्व ए सिंपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर इज 961 सेंटीग्रेड कंटिन्यूस एडिशन ऑफ लैड लोअर मेल्टिंग पॉइंट अलोंग ए टू एक्सेस इक्विलिब्रियम सॉलिड सिल्वर एंड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर एंड लैड इफ मोर लैड इज एडेड सॉलिड यहां हम इस कर्व की बात कर रहे हैं कव ए सी इसे सिल्वर का हिमांक वक्र कहते हैं बिंदु ए ये ए बिंदु है सिल्वर के गलांग 961 डिग्री सेंटीग्रेड को प्रदर्शित करता है इसमें निरंतर लाइट मिलाने पर सिल्वर का गलांग धीरे धीरे वक्र ए के अनुसार घटता है हमने क्या किया इस पॉइंट के बाद इसमें हम लाइट मिला रहे हैं यहाँ पे लाइट है ये लाइट इसमें ऐड हो रहा है ये लाइट मिलने से इसका ये पॉइंट धीरे धीरे कम हो रहा है धीरे धीरे अत बिंदु सी पर इस सी पर प्राप्त होता है इस बिंदु पर विलियन लैट से संतृप्त हो जाता है और अधिक लैट मिलाने पर विलियन में लैट की मात्रा नहीं बनती अपितु मिलाया गया लैट ठोस अवस्था में पृथक हो जाता है अत वक्र एसी के प्रत्येक बिंदु पर ठोस सिल्वर प्लस द्रव विलियन ये भी लिक्विड है साम्य अवस्था में रहते हैं अतः संगठित अवस्था नियम समीकरण के अनुसार की स्वतंत्रता की कोटि निम्न से स्पष्ट है सी हमारा टू है फेज हमारे टू है तो हमारा ये क्या हो गया एक चर निकाय हो गया अर्थात किसी निश्चित तापमान पर विलियन का केवल एक संगठन होगा तथा ताप परिवर्तित के साथ विलियन का संगठन बदल जाएगा नाव वक्र बीसी बीसी क्या है ये वाला वक्र है ये वाला वक्र बी सी है हमारा इस वक्र को लैट का हिमांक वक्र कहते हैं बिंदु बी ये वाला बिंदु बी है लैट के गलांग थ्री ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड को प्रदर्शित करता है इसमें निरंतर सिल्वर मिलाने पर लैंड का गलांग इस डायरेक्शन पर बी के अनुसार घटता जाता है और अंत में बिंदु सी पर प्राप्त होता है इस बिंदु पर सिल्वर से हो जाता है और अधिक सिल्वर मिलाने पर विलियन में सिल्वर की मात्रा में वृद्धि नहीं होती आपितु जो भी सिल्वर मिलाई जाती है वह ठोस सिल्वर के रूप में पृथक हो जाती है वक्र बीसी पर दो अवस्थाएं लैक लैग, तथा साम्य अवस्था में है अतः हमारा ये अगेन सेम चीज है एक निकाय होगा दिस इज और सी ओ इज द कॉमन टू बोथ द कव सॉलिड लैड सॉलिड सिल्वर एंड लिक्विड सॉल्यूशन को एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट Freedom of degree is zero and it is non-variant. Point 0, zero is lowest temperature to three zero three at which liquid exists. If liquid cool below this temperature, both silver and lead separates in solid form and composition of silver is two point six percent and of lead is ninety seven point six percent. In an alloy of silver and lead, silver melts at थ्री जीरो थ्री डिग्री सेंटीग्रेड विच इज लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर एंड लेड कॉल यूटैक्टिक मिक्सचर गलन क्रांतिक बिंदु दोनों वक्र ए सी तथा बी सी सी पॉइंट पे मिलते हैं इस बिंदु पर तीन अवस्थाएं सॉलिड सिल्वर सॉलिड लेड तथा विलियन साम्य अवस्था में है अतः इनकी स्वतंत्रता की कोटि शून्य है और निकाय अचर है संगठित अवस्था नियम समीकरण से भी यही निष्कर्ष निकलता है यह भी आपको बताया यदि यहाँ हमारे तीन फेज मिल रहे हैं, तो F हमारा जीरो हो जाएगा इस बिंदु का तापमान थ्री जीरो थ्री डिग्री सेंटीग्रेड है सेंटीग्रेड है यह तापमान प्रत्येक घटक के देखो इसका गलंक ज़्यादा है और इसका गलांग भी ज़्यादा है पर प्रत्येक घटक के गलांग से कम है तथा ये निम्नतम ताप है जिस पर दोनों घटकों के मिक्सर का विलियन द्रव अवस्था में रह सकता है इस ताप पर विलियन का संगठन 2.4% परसेंट सिल्वर तथा 97.6% परसेंट लैड है अब यदि द्रव को इस ताप से और नीचे ठंडा किया जाए तो दोनों घटकों का ठोस मिक्सर एक ठोस रूप में पृथक हो जाएगा इस तापमान को गलन क्रांतिक तापमान तथा संगठन को गलन क्रांतिक संगठन कहते हैं एरिया एरिया अब एनली मोल्ट मिक्सचर ऑफ सिल्वर एंड लैट एग्जिस्ट इन सिस्टम Area enclosed by BOF, only molten mixture of silver and lead and solid lead exist. And area enclosed by AOE, only molten mixture of silver and lead and solid silver exist. Divided, diagram divided in two regions. Below the line, on the left hand side of the line, crystalline silver and eutectic mixture are stable. On the right hand side of the line, crystalline lead and eutectic mixtures are स्टेबिल क्षेत्र एसीबी के ऊपर का क्षेत्र ये ए सी बी ये वाला क्षेत्र को हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्षेत्र में गलित लैड तथा गलित सिल्वर के विलियन की केवल एक अवस्था होती है अतः संघित अवस्था नियम समीकरण के अनुसार इज इक्वल्स टू टू हो गया अतः इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की कोटि टू है अर्थात इस क्षेत्र में किसी बिंदु को अंकित करने के लिए ताप तथा संतरण दोनों ज्ञात होने चाहिए माना कि माना कि लैब का कोई ऐसा नमूना है जिसमें सिल्वर की मात्रा 2.4 से कम है तो यह बीसी वक्र के ऊपर किसी बिंदु एक्स डैश पर है ये x- है यहाँ पर एक संभाग द्रव है देखो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होगा ठंडा करने पर ताप तो घटता है लेकिन साधन में जब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि वक्र बी के किसी बिंदु y डैश तक नहीं पहुंच जाते मैं इसको हटा रही हूं यहां देखो y डैश हमें दिख रहा है पहुंच जाते विलियन को और अधिक ठंडा करने पर लैट पृथक होना आरंभ हो जाता है तथा विलियन में सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाती है अतः बिंदु सी पर 2.4% सिल्वर तथा 97.6% लैट प्राप्त होता है। विलियन को और अधिक ठंडा करने पर संपूर्ण निकाय ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वक्र AC तथा BC के नीचे का क्षेत्र, मतलब ये वाला इसके ये नीचे वाला क्षेत्र, वक्र AC के नीचे का क्षेत्र ठोस सिल्वर तथा विलियन अवस्थाओं का वक्र B.C के नीचे का क्षेत्र यहाँ ठोस सिल्वर पर और यहाँ ठोस लैट का प्रदर्शित करता है 303 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का क्षेत्र ठोस ये देखो ठोस सिल्वर प्लस यूटेक्टिक मिक्सचर और यहाँ ठोस लैट प्लस यूटेक्टिक मिक्सचर है अतः स्वतंत्रता की कोटि सब में एक ही होगी क्योंकि सप दो फेज आ रहे हैं तो एफ हमारा वन हो जाएगा अब जो मेन यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है लैट सिल्वर निकाय का महत्व क्या है लैट का वर्जीकरण इस निकाय के अवस्था आरेख द्वारा सिल्वर युक्त लैट से सिल्वर को प्रथक करने को पैटर्न विधि को समझाया जा सकता है सिल्वर युक्त लैट के नमूने में पॉइंट वन परसेंट या इससे भी कम सिल्वर होती है सर्वप्रथम नमूने को इसके गलांग से उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाया जाता है माना कि पिघले हुए नमूने को ताप द्वारा संगठन बिंदु एक्सड्रेस द्वारा प्रदर्शित किया गया है इस विलयन को ठंडा करने पर ताप तो घटता है परंतु संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि बिंदु वाइडस तक नहीं पहुँच जाते विलयन को और अधिक ठंडा करने पर ठोस लैट पृथक होना आरंभ हो जाता है और विलयन में सिल्वर की सांद्रता बढ़ती जाती है। तापमान को और अधिक करने पर सांद्रता W-सी के अनुसार परिवर्तित होती है और प्रथक हुआ लैट लकड़ी के कर्चों द्वारा विलयन से आगे करते जाते हैं इस प्रकार सिल्वर की मात्रा बढ़ती जाती है और बिंदु सी पर आने पर क्या होगा उसकी मात्रा 2.4 परसेंट हो जाती है। इस प्रकार पैटनसन प्रक्रम द्वारा लैग को पृथक किया जाता है थैंक यू